भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली फैमिली देखती है वरना मैं। ये वीडियो मैंने सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाई है, तो इसे ज्यादा अपने हार्ट एंड योर माइंड लेना लेना। अमीनो चैनल को सब्सक्राइब कब करोगे? सब्सक्राइब कीजिए सिंस फाइंडर को और इस घंटे को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुरू में ये जो प्लेन नीचे लैंड हो रहा है ये अभी जमीन से बहुत ऊपर है और अब कैमरा एंगल चेंज होते ही बिल्कुल जमीन पर ही आ गया। पहले तो बहुत ऊपर था और इस प्लेन के दो टायर्स यहाँ और दो टायर्स यहाँ, टोटल चार टायर्स हैं, लेकिन दूसरे एंगल में तो चार यहाँ और चार यहाँ, आठ टायर्स हैं। कैसे? फिर कैमरा एंगल चेंज होते ही फिर से दो दो टायर्स हो गए और फरहान इतनी आराम से इन सबको बेवकूफ बनाकर प्लेन से कैसे भाग गया? इसने अपना सामान भी नहीं लिया और ये भागे ही जा रहा है। यहाँ एयरपोर्ट पर कोई गार्ड या पुलिस भी नहीं है जो इसे पकड़ ले। मतलब एक पैसेंजर उड़ता हुआ प्लेन लैंड करवाकर एयरपोर्ट से ही भाग गया और इसको पकड़ने के लिए कोई भी नहीं आया। वाह, चलो यहाँ से तो ये भाग गया लेकिन एयर इंडिया के पास तो इसकी सारी डिटेल होगी ना, मतलब ये कौन है, कहाँ रहता है। फिर तो फरहान पे केस होना चाहिए था लेकिन नहीं। और फिर फरहान राजू को कॉल करता है लेकिन यहाँ देखो इसने तो अभी डायल पैड खोला हुआ है, अभी तक तो इसने नंबर ही नहीं मिलाया। और इसको देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बंदा कमीज पहन ले और सलवार पहनना भूल जाए। और इसकी बीवी भी हूं कर रही है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, मुंह से नहीं बोल रही है, अबे सलवार तो पहन ले। फिर इसके घर से निकल जाने के बाद अब पता नहीं किसे बोल रही है, अरे पैंट तो पहन के जाओ। अबे पैंट्स नहीं सलवार, कमीज के साथ सलवार पहनते हैं। राजू गाड़ी में आकर बैठ गया, अभी तक इसे पता नहीं चला कि मैंने सलवार नहीं पहनी हुई। अबे नीचे देख, पैंट भी भूल गया। पैंट्स नहीं सलवार। और इसके पास ये ब्रश कहाँ से आया? घर से तो सिर्फ एक पानी की बोतल और जूते लाया था। यहाँ पर देखो अभी कुछ भी नहीं है। फिर अचानक से ये लोहे का पाइप पता नहीं कहाँ से आ जाता है। अभी यदि चतुर फोन कैसे चला रहा है, उल्टी सीधी उंगलियां मारे जा रहा है। और इसने हिंदी डिक्शनरी खोली हुई है लेकिन इसमें तो हिंदी का एक लफ्ज भी नहीं लिखा हुआ। और फिर एक ही क्लिक से ये डिक्शनरी से गैलरी की फोटो खोल लेता है। और यार ये बिना स्वीप किए फोटो चेंज कैसे हो रही हैं? और अभी इसने अपनी लैम्बोर्गिनी की फोटो खोली हुई है, फिर ये अपनी उल्टी सीधी उंगलियां मारता है तो अब कैलेंडर ही खुल गया। यहाँ भी इस बंदे ने अपने हाथ में पानी की बोतल और स्टैम्प पकड़ा हुआ है। फिर अचानक से इसके हाथ में से पानी की बोतल पता नहीं कहाँ चली जाती है। और इस बंदे का हाथ रेंचो के कंधे पर है लेकिन दूसरे एंगल से तो हाथ नीचे नजर आ रहा है। अब फिर से कंधे पर आ गया, अब फिर से थोड़ा हाथ नीचे हो गया और अब रेंचो के कंधे से हाथ हटाकर चतुर के कंधे पे रख रहा है। और चतुर के हाथ में अभी ज्योमेट्री बॉक्स वाला सेट स्क्वायर है। फिर अचानक से इसके हाथ में डिक्शनरी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और इस चूतिये को इतनी देर तक गिनती गिनने की क्या जरूरत थी? अगर रेंचो कमरे से बाहर नहीं आ रहा था तो दरवाजा तोड़ ही देता। अभी कौन से ड्रामे कर रहा है करंट लगने के? शॉर्ट्स इसने उतारा कहाँ है? पूरा ऊपर तक पहना हुआ है। और अगर इसने पेशाब करते हुए शॉर्ट्स ऊपर कराए तो शॉर्ट्स तो ये इतना सा भी गीला नहीं हुआ। चूतिया समझा मेरे को। यहाँ पीछे कोई भी नहीं हंस रहा तो फिर इतनी हंसने की आवाजें किसकी आ रही हैं? अभी चम्मच तो अपने मुंह से दूर कर, इस पर अभी उसने पेशाब करा था। यार रेंचो की पानी की बोतल वहाँ गुम हुई थी और इसका कमरा वहाँ से यहाँ आकर है लेकिन बोतल इसको अपने कमरे के आगे से ही मिलती है। यहाँ कैसे आई? यार वारिस अपना टाइम बचाने के लिए इतना सब कुछ करता है और कॉलेज आता किस पर है? साइकिल पे। What the fuck? साइंटिस्ट ने ऐसा पेन इजाद किया। अबे इजाद नहीं, इजाद किया। ये टेबल बॉल गिरने से नहीं टूटी बल्कि इसकी टांगे किसी ने रस्सी से बांध कर खींची हैं। यहाँ ये ड्रोन देखो अभी रेंचो के हाथ में है। फिर जब ये यहाँ बैठते हैं तो अब वो ड्रोन पता नहीं कहाँ चला गया। ये वाली खिड़की देखो अभी उस तरफ खुली हुई है और ड्रोन में यही खिड़की उस तरफ खुली हुई दिख रही है। इसे फांसी पर लटका हुआ तो सब लोग ही देखते हैं लेकिन बचाने के लिए सिर्फ तीन लोग ही क्यों आते हैं? रेंचो जब बोर्ड पर ए लिखता है तो ए का फोन देखो कैसा है, फिर ए का फोन खुद ही चेंज हो जाता है और अब फिर से वही फोन हो गया। और अभी एफ ए ए पी आर ई आर का फोन देखो और अब देखो सारे खुद ही चेंज हो गए और अब सारे फोन फिर से वैसे हो गए। जब राजू की माँ फरहान और रेंचो से पूछती है कि बेटा और खाना दूं क्या, तो ये दोनों एक ही साथ एक ही लाइन बोलते हैं। यार ये लोग प्रिया की बहन की शादी में घुस गए लेकिन इनके पास ये पिंक पगड़िया कहाँ से आ गई? उस बंदे को देखो जिससे प्रिया की शादी होने वाली है, वो अभी उस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। और जब रेंचो इस पर चटनी फेंकता है तो अभी इस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। चटनी फेंकने के बाद इसका मुंह फिर से उस तरफ हो गया और इस गधे पर रेंचो बराबर में से ही चटनी फेंक कर गया है। और इस गधे को नजर ही नहीं आया कि मेरे ऊपर ये चटनी किसने फेंक दी। वाह। और ये वेटर भी पता नहीं क्यों गूंगा बना हुआ है, बोल नहीं रहा भाई ये चटनी मैंने नहीं उसने फेंकी है। और इसके हाथ देखो बिल्कुल खाली है और अब जूते साफ करने के लिए इसके पास ये टिश्यू पता नहीं कहाँ से आ गया। अभी ये वायरस खाना खाकर उठ रहा है तो ये चमचे देखो बिल्कुल चिपके हुए हैं और जब ये उठता है तो दोनों चमचे खुद ब खुद एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर पूरे दो बज जाते हैं, इसका शेव कराने का टाइम हो जाता है लेकिन इसकी घड़ी में तो अभी दो बजने में 5 मिनट हैं। और जब ये लेटता है तो अब पूरे 2 बज जाते हैं।
बलात्कार की। इतनी बलात्कार कैसे? वहाँ बलात्कार कर, बलात्कार करने की इस बलात्कारी पुरुष, ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। मतलब कि इसे पता ही नहीं है कि मैं क्या भोके जा रहा हूँ। वाह, चलो लिखकर तो इसको रेंचो ने दिया था, मगर इसे याद करते वक्त तो समझना चाहिए था ना कि ये क्या लिखा हुआ है, या फिर किसी और ने भी तो पढ़ा होगा यार। मतलब इतनी बड़ी स्पीच है, कुछ भी बोल देगा क्या बिना किसी से पढ़वाए? और रेंचो भी इतनी आराम से बोल रहा है, ले मैंने तेरे लिए लिख दिया, कुछ डर ही नहीं है इसको, कोई मसला ही नहीं है इसके लिए। मतलब अगर पता चल गया कि ये क्या लिख कर दिया है इसने, तो ये तो फंस जाता ना। लोग हंसे जा रहे हैं और ये दोनों भी गुस्से में उठकर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं क्या बकवास किए जा रहा हूँ। अब तो इसको पता लग जाना चाहिए था ना, ये बंदा बेहोश होकर नीचे गिर गया, लेकिन दूसरे एंगल में तो इसके पीछे से वो बंदा ही गायब हो गया, फिर से आ गया। ये बंदा जब गिरा था तो इसकी एक चप्पल उल्टी हो गई थी, और अब दोनों चप्पलें एक साथ ही पड़ी हुई हैं, वो भी सीधी। यहाँ इन दो लड़कियों को देखो जो प्रिया से पीछे की तरफ जा रही हैं। अब वही दो लड़कियाँ प्रिया के सामने से आ रही हैं, और ये लड़कियाँ इन दो लड़कों तक पहुँची हैं। फिर जब प्रिया इन लड़कों से आगे जाती है तो अब वो लड़कियाँ तो यहाँ तक पहुँची ही नहीं है। फिर जब प्रिया रेंचो को पकड़ रही है तो वही दो लड़कियाँ फिर से सामने से आ रही हैं। यहाँ प्रिया के हाथ में घड़ी बंधी हुई है और रेंचो इसको यहाँ से खोल रहा है, और अब देखो हाथ कहाँ है, घड़ी खुली हुई है और ये बस हाथ से उतार रहा है, और ये इतने आराम से 4 लाख की घड़ी प्रिया के हाथ उतार रहा है, और ये बस खड़ी उसकी शक्ल देख रही है। यार ये दोनों पेशेंट्स को लेकर हॉस्पिटल में घुस गए और इनको कोई रोक ही नहीं रहा। यहाँ के गार्ड्स कहाँ हैं? अबे साले, यार राजू रक्षे वाले को पैसे देकर बाकी पैसे नीचे पता नहीं क्यों फेंक कर चला जाता है। यार इसकी बहन की शादी के फोटो एल्बम में इनकी फोटो कहाँ से आ गई? यार इडियट्स जब एग्जाम देने आते हैं तो ये कोई से भी पेपर्स उठाकर बैठ जाते हैं, ना ही ये क्लास देखते हैं कौन सी है, ना ही रोल नंबर देखते हैं, और ना ही इनसे सर कुछ पूछता है, बस खड़ा हुआ शक्ल देख रहा है। जब रेंचो के फर्स्ट आने पर ये फोटो ली गई थी तो इसमें इस लड़की के हाथ खुले हुए हैं और इन तीनों लड़कों की मुंडियां उस तरफ हैं, लेकिन रणछोड़ दास के घर में इसी फोटो में इस लड़की ने अपने हाथों पकड़े हुए हैं और इन तीनों की मुंडियां अब उस तरफ हो गईं। यार अभी चतुर यहां खड़ा हुआ पेशाब कर रहा था और अब इसने उन्हीं गंदे हाथों से आकर बिस्किट पकड़ लिए। अबे गंदे हाथ तो धो ले। यार ये लोग इस लोटे का ढक्कन तो टॉयलेट में फेंक देते हैं, और फिर जब ये लोटा रणछोड़ दास को देकर जाते हैं तो इस लोटे का ढक्कन तो लगा हुआ है, और ये भी उनके जाने के बाद चेक कर रहा है कि इसमें क्या है। अबे पहले ही चेक कर लेता इसमें क्या है, बस लेकर बाउलों की तरह खड़ा हुआ था। यार ये तीनों इडियट्स इतनी आराम से वारिस के घर में किसे घुस गए? दरवाजा भी बंद नहीं है, ना ही कोई गार्ड है दरवाजे पर, इससे क्या हो रहा है? ना जान ना पहचान रेंचो से बात तो ऐसे कर रही है जैसे इसे सालों से जानती हो। अब ये क्या है भाई? ओहो, तो एक पुलिस वाला घर में चेक करने आ ही गया, तो ये जब से कहां था, कहीं सो हो रहा था क्या? फिर ये तीनों इस क्लास में जाकर छुप जाते हैं और ये पुलिस वाला आकर लाइट मारता है और बस चला जाता है। अबे सही से चेक तो कर, यहां कौन है? क्योंकि ये जब चेक करने आया तो इस क्लास का दरवाजा खुला हुआ था, इसका मतलब कोई तो अंदर आया है ना। ये कमियों क्या होता है? कमीनो होता है। यार मुझे समझ नहीं आया कि राजू के पास ना ही कोई डिग्री है, ये हर साल फेल होता है, और इसने इन लोगों को बताया भी कि मैंने नशे की हालत में अपने प्रिंसिपल के दरवाजे पर पेशाब करा था, इसकी 16 हड्डियां टूटी हुई भी हैं, फिर भी इन लोगों ने इसे जॉब पता नहीं कैसे दे दी, वो भी खुद ही, मतलब कुछ भी। और जब राजू को जॉब मिलने पर नाई वायरस की मूंछें उड़ा देता है तो वायरस नाई को सोफा पर लिटाकर इसका सर टेबल पर मार रहा होता है, लेकिन कैमरा एंगल चेंज होने पर तो ये इसको सोफा पर मार रहा है और टेबल तो वहां इतना पीछे पड़ी हुई है। ये लोग फिर से शादी में घुस गए और अब तो घर में ही घुस गए प्रिया के, किसी को दिखे भी नहीं, और इनके पास फिर से ये पगड़ियां कहां से आई पहनने के लिए? और फरहान को कैसे पता था कि प्रिया कमरे में अकेली है, जो ये उसे बताने के लिए अंदर घुस गया कि रेंचो मिल गया। अबे यार मुझे समझ नहीं आ रहा इससे क्या हो रहा है, ये अपने बाप से इतना क्यों चिपक रही है? इस सीन में फरहान कार का शीशा नीचे करता है, लेकिन सामने वाले एंगल से तो शीशा बंद नजर आ रहा है। यहां ये गधा इनको रोकने के लिए बीच रास्ते पर आकर खड़ा हो जाता है। राजू और प्रिया तो इसी रास्ते से भागते हैं, तो अब वो गधा कहां चला गया जो इन्हें रोकने के लिए बीच रास्ते पर आकर खड़ा हुआ था? यार यहाँ रेंचो और फरहान पेपर का डुप्लीकेट बनाने में लगे हुए हैं, फिर अचानक से वायरस आ जाता है और वो दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। मतलब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? इतनी मेहनत से ये दोनों इसके लिए पेपर का डुप्लीकेट बनाकर लाए हैं, और इसके काम तो देखो। अबे ये पुलिस वालों को अपने साथ क्यों लाया है? यार अभी वायरस अपनी कार के आगे खड़ा हुआ फोन पे बात कर रहा है, फिर ये इडियट्स आकर इसकी बेटी को निकाल कर भी ले गए और उसको पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गई। वाह, अबे तकिया तो कोई अच्छा वाला गोल सा रखते, ये कौन सा कुशन फंसा दिया। और यार इस सीन का ना तो सर है ना ही कोई पैर, क्योंकि इस बच्चे की बैक रब करने से भी इसका सांस नहीं आता, इसके मुंह में एयर ब्लो करने से भी इसका सांस नहीं आता, और फिर सब मिलकर ऑल इज वेल बोलते हैं तो ये होता है।
मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, चतुर ने जानबूझ के कपड़ा अपने मुंह में क्यों फंसाया हुआ है, और गिठान भी राजू ने एक ही बांधी हुई है। ये खींचते ही पट्टी खुल गई। ये जब रेंजो से मिलने के लिए दिल्ली से निकले थे तो सुबह के 8 बजे के आसपास का टाइम हुआ था, और जब फाइनल ये इतना घूम फिर के रेंजो से मिलते हैं तो अभी भी दोपहर हो रही है। वाह, मतलब ये पहले दिल्ली से असली रणछोड़दास के पास गए, फिर ये लोग लद्दाख के लिए निकले ही थे तो इन्हें बीच में प्रिया की याद आई, फिर ये लोग लद्दाख जाते जाते बीच से मनाली गए जिसका रास्ता ऑलरेडी 6 घंटे का था। गाड़ी भगाएंगे तो फेरों से पहले तो पहुंच ही जाएंगे, क्या बोलता है? फिर ये लोग प्रिया के पास गए, प्रिया को पिक करके फिर लद्दाख आए, और अभी तक दोपहर ही हो रही है। यहाँ रेंजो के पीछे देखो कोई भी नहीं है, फिर अचानक से इसके पीछे ये फरहान पता नहीं कहाँ से आ जाता है। अभी यार चतुर क्या इतनी ढीली पेंट बांधता है क्या, बिना बेल्ट खोले ही इसकी पेंट इतनी आराम से उतर गई। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। चलो अब इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, अगर अच्छी लगी तो ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। और ऐसी ही मोर वीडियोस देखने के लिए सिंस फाइंडर को सब्सक्राइब करें।